अशोक स्तंभ है बौद्ध का, राम भंडार ये कचौड़ी है, राम कचौड़िया दीजिए हमको, की सब्जी है, चटनी वगैरह है और ये इसकी कचौड़ी है। शिव दर्शन करने के लिए पहले जब आए आप आए तो पहले इनके दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सारा दर्शन आप। थर्ड इसी का ये अशोक का अशोक स्तंभ है बौद्ध का, बनारस आते हैं तो जरूर यहाँ पर विजिट करें। ये बुद्ध का आश्रम है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का म्यूजियम है। फेमस कचौड़ी शॉप है राम भंडार, और ये क्या सीख रही है, बेड़िया सीख रही है, पूरी सीख रही है बेड़िया, कचौड़ी है भाई, ये कचौड़ी है, ये कचौड़ी है राम भंडार की, भी बहुत पॉपुलर है और यानी की शॉप से ही आपको कचौड़ियाँ हम ट्राई करेंगे, उसके बाद में रिव्यू देंगे वही कैसा है। सेकेंड है यहाँ तो बनारस में तो बहुत फेमस है, बनारस से खाने वाले बड़ी डिफरेंट टाइप की कचौड़ी, आप मथुरा जाएंगे और आप दिल्ली जाएंगे या फिर और किसी सिटी में जाएंगे, वहाँ पर कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा मसाले के साथ होती है। यहाँ पर जो कचौड़ियाँ हैं कुछ मूलियों का जैसा शौक है, यार चार नंबर कौन है, कौन है आदि बोल, एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, मैं चैनल के लिए आराम से बात कर अच्छा आपसे बात कर। आप बताइए कितनी पुरानी दुकान है ये, हम लोग का फर्म 1887 करीब है, 1887 ओके जी, हम लोग करीब 135 साल करीब हो रहा है जी, और हम लोग का पुरानी काम हम लोग का मीठे का था, फिर मेरे पापा ने इसको चालू किया कचौड़ी जलेबी का। अच्छा, और हम फोर्थ जनरेशन है, पापा थर्ड जनरेशन है, बाकी मेरे परदादा दादाजी हैं, इनके दादाजी हैं जिन्होंने शॉप स्टार्ट करी थी। यहाँ पे कचौड़ी जलेबी, समोसा, कटलेट ये सब मिलता है, दो शिफ्ट होता है, सुबह होता है शाम, तो दोपहर में होता है। सुबह में यहाँ पे रहता है बड़ी कचौड़ी सब्जी, आलू कचौड़ी चना और जलेबी, और दोपहर के समय यहाँ पे रहता है समोसा, कटलेट, छोला ये सब रहता है। अच्छा, तो ये मतलब आपकी कितनी कचौड़ियाँ दिन भर में बिक जाती है, मतलब एक एक कोई अंदाजा नहीं है, कितने लोग आए भगवान होगा, 50,000, 10,000, 20,000 नहीं, सुबह 7:30 से 10:30 तक रहता है, दो तीन घंटे के बाद रहते हैं। इस वर्ष आप इनकम अपना बताएंगे? नहीं नहीं, मैं तो आपको बता दूंगा, सैलरी वाला आदमी हूँ लेकिन वो बिजनेस मैन नहीं बताया, कोई अपना इनकम नहीं है, एक्चुअल बताया। अब हमारी किन तो लिस्ट लोग छप के आती है, या चार नंबर चला के छप पड़ता है जी बाबू जी, हमको लाइव भी मिलते हैं, आलू की सब्जी है, चटनी वगैरह है और ये इसकी कचौड़ियाँ, कचौड़ियाँ बिल्कुल डिफरेंट है, ये पूरी की तरह ऐसी कचौड़ियाँ नहीं मिलती, कचौड़ियाँ बहुत हार्ड ऐसी होती है, ये बहुत अच्छी कचौड़ियाँ हैं।
अभी हम इसको टेस्ट करके टेस्ट बताएंगे। रेगुलर कचौड़ी खाने वाले हैं, उन्होंने मथुरा में कचौड़ी खाई है, दिल्ली में भी खाई है, देहरादून में भी खाई है, अभी देखते हैं कि इनका क्या कहते हैं। जैसा सुना था वैसे ही पाया। अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद। ओके, अस्सी घाट है यहाँ, धूप में बैठ करके हम लोग जाएंगे और आरती और सारे घाटों का नज़ारा देखेंगे। दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। गुरु रविदास पार्क, इसमें पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे संगीत सम्मेलन होते हैं और ये अस्सी घाट के बिल्कुल सामने। हमारा भी निकालो ना, हमारा भी ले लो। कुमार विश्वास जी 10-15 दिन बाद आए थे वो भी। अच्छा, वो बोले कि मोदी जी यहाँ की कौन सी ऐसी खासियत है जो चाय पी के गए, हमको भी ट्राई कराइए। ओके, वही वाली चाय हमको भी पीना है जो मोदी जी पी गए। अच्छा अच्छा, हम बोले सर मोदी जी तो कुछ दे के गए, आप क्या दे के जाएंगे। अरे मैं आपको क्या कहना, पप्पू का चाय अपनी जगह पे ठीक है, हम किसी का बुराई नहीं करते। चाय पी के मजा है। और कितने साल से चला रहे हैं आप? 15 saal. This cruise tour starts from Sant Ravidas Ghat, where River Assi meets River Ganga. हम राजघाट तक जाएंगे। Oldest living city of the world. We do not find any structure, monument, ghat or temple older than 400 years in Kashi. रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास। शमशान है, उसके बगल में है काशी विश्वनाथ का जो यमुना से एंट्री है, तो यहाँ पर नया कॉरिडोर बनना है। लाखों लोग दुनिया भर से लोग इसमें शामिल।